गाइस आप सभी को इस वीडियो के अंदर दो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एक है राउंड 12 की और गाइस जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है आप सभी का दिल छू लेंगे, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमारे ड्रीम के करीब करीब आ रहे हैं, यानी कि 1 मिलियन के। तो गाइस अगर आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि एक गरीब का ड्रीम पूरा हो जाए 1 मिलियन का। तो गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देता जो आपका दिल छू लेंगे। जैसे कि आप राघव को अच्छी तरह जानते होंगे, ये डांस प्लस पर वो होस्ट करते हैं और ऐसे कई सारे चैनलों पे होस्ट करते हैं, और कॉमेडी और डांसिंग और स्लो मोशन भी बहुत अच्छा करते हैं, आपने देख ही लूँगा। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आप सब इमोशनल हो जाएंगे। अभी हाल ही के अंदर डांस प्लस इंडिया का एक एपिसोड था जहाँ पर एक लड़का आया था जिसने पहले परफॉर्मेंस किया और बहुत सारी चीज़ें की जो कि जजों को बहुत सारा पसंद आया था, लेकिन उसने कुछ ऐसी इमोशनल बात बोल दी जिससे सारे जज मतलब इमोशनल हो चुके थे और राघव बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे। गैप से बता दूँ, उसने बोला कि मेरे जो डैडी है, जो मेरे पापा है, उन पर 10 लाख रुपए कर्जा हुआ था और वो कोविड के टाइम पे हम सबको छोड़ के चले गए, यानी कि दुनिया के अंदर नहीं रहे, और अब मुझे वो कर्ज़ा फेरना है कुछ भी हाल में। तो भाई इसको देखकर सारे जज इमोशनल हो चुके, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इमोशनल हुए थे वो राघव इमोशनल हुए थे। तो गाइस राघव ने जैसे उसकी कंडीशन देखी उसी वक्त तुरंत ऐलान कर दिया कि मैं इस बंदे को डायरेक्ट 8 लाख रुपये दूंगा उसका कर्ज़ा फेरने के लिए। तो गाइस जैसे ये ऐलान किया राघव ने, तो आप सब बता दूँ, वो जो लड़का था जिसे 8 लाख की ज़रूरत थी अपने पिता का कर्ज़ा फेरने के लिए, जो उसके पिता ने लोन लिए थे, गाइस वो लड़का इतना खुश हो कि आप सोच भी नहीं सकते, और राघव भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे। तो गाइस सबसे पहले तो राघव ने जो काम किया वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। किसी का कर्ज़ा फेरना या किसी की मदद करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंसान दुनिया के अंदर कुछ नहीं ले जाएगा। कितना भी करोड़ रुपए कमा ले, अगर उसे चंद मिनटों में मौत आ गई तो उसका करोड़ रुपए उसका कुछ काम का नहीं रहेगा। अगर ऐसी मदद कर दे तो ज़िंदगी भर लोगों के दिलों में उसकी इज्जत रहेगी। तो गाइस अगर आपके पास भी ऐसा कोई दिखता है मदद करने लायक तो आप उसे ज़रूर मदद करिए। पैसा आप साथ में नहीं ले सकते, आपको पैसा इधर ही छोड़ के जाना है। तो इसी बात पर आपको राघव को क्या कहना है, उनके बारे में क्या लिखना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा किया बुरा किया कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गाइस थी पहली इन्फॉर्मेशन आप सभी को। दूसरी बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन तो राउंड 12 की। जैसा कि मैंने आप सभी को बहुत सारी वीडियोस के अंदर इन्फॉर्मेशन दी कि राउंड 12 की जो वीडियो थी 1959 जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत की थी, उसको तकरीबन 3 या 3.5 महीने तक उस पर वर्क किया था, लेकिन इतना करने के बाद यूट्यूब ने उनके साथ धोखा किया था, ट्रेंडिंग में नहीं लाया था। लेकिन आप सभी बता दूँ, भले 1959 ट्रेंडिंग में नहीं आई, लेकिन जो उसकी मेकिंग थी, जिस तरह से उसे बनाया गया, वो 2 एपिसोड अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं राउंड 12 के। आपको साइड में दिखे रहा हूँ, राउंड 12 ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे डाल के बोला है कि जो मेन वीडियो थी वो ट्रेंडिंग में नहीं है, और जो मेकिंग की वीडियो है जिसमें हमने बताया कि हमने किस तरह वीडियो बनाया, वो दोनों भी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो क्या आप सोच सकते हैं यूट्यूब किस तरह से हो गया, मतलब जो मेन वीडियो थी वो ट्रेंडिंग में नहीं है, और जो मेकिंग की वीडियो थी जिसे बताया गया हमने कैसी बनाए, वो वीडियो ट्रेंडिंग में। तो गाइस मेरी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर शेयर करना।